हम में से एक एक व्यक्ति सोचता है अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं आतंकवादियों की गर्दन मरोड़ देता। जब हम सुनते देश में बम विस्फोट हो गया तो हम में से एक एक व्यक्ति सोचता है अगर मेरे पास ताकत होती तो एक एक आतंकवादी की गर्दन काट देता। लेकिन अगले ही पल हम सोचते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सामान्य सा व्यक्ति हूँ। अगले ही पर हम सोचते हैं मैं तो सामान्य सी महिला हूँ। अगले ही पर हम सोचते हैं मैं तो एक विद्यार्थी हूँ। अगले ही पर हम सोचते हैं मैं तो एक सामान्य सा दुकानदार हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, देश में भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। भगवान ने मुझे ताकत दी होती तो मैं आज भ्रष्टाचारी देख लेता। भगवान ने मुझे ताकत दी होती तो ब्लैकमेल करने वालों को गर्दन उड़ा देता। भगवान ने मुझे ताकत दी होती तो लव जिहाद के नाम पर हमारी बहनों को फंसाने वालों को मैं देख लेता। लेकिन अगले ही पर हम सोचते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सामान्य सा इंसान हूँ। और जैसे हम सोचते हैं मैं सामान्य सा इंसान हूं, कभी हनुमान महाराज जी कर्नाटक में पैदा हुए हनुमान जी समुद्र किनारे जब समुद्र में लहरें आ रही थी रामेश्वरम के पास में जब समुद्र में लहरें आ रही थी तमाम वानर बैठकर विचार कर रहे थे अगर आगे जाते हैं समुद्र में डूबना पड़ेगा और पीछे वापस लौट कर जाते हैं तो सुग्रीव जिंदा नहीं छोड़ेगा। हनुमान जी भी उस समय कोने में बैठकर जैसे हम विचार करते हैं हनुमान जी भी सोच रहे थे मेरे पास ताकत होती तो मैं रावण को देख लेता, मेरे पास ताकत होती इस समुद्र को पी जाता, मेरे पास ताकत होती पहाड़ों को उल्टा कर देता, समुद्र में डालकर चलकर चला जाता। लेकिन क्या करूं, मैं नन्हा सा वानर हूं। जैसे हम कहते हैं मैं तो सामान्य सा व्यक्ति हूं, जैसे हम कहते हैं मैं तो एक टीचर हूं, जैसे हम कहते हैं मैं तो एक पेंशनर हूं, जैसे हम कहते हैं मैं तो स्कूल में पढ़ने वाला बालक हूं, मैं क्या कर सकता हूं। हमारे हनुमान जी महाराज भी सोच रहे थे मैं क्या कर सकती हूँ अगर आज ताकत होती। आप सबको पता है कथा दोस्तों, और जब हनुमान सोच रहे थे मैं क्या कर सकता हूँ उस समय कोई थे बुजुर्ग जामवंत। जामवंत ने हनुमान से कहा चुप साध रहे हो बलवाना, हनुमान तुम चुप होकर बैठे हुए हो, सिर से हाथ लगाकर बैठे हो हनुमान। हनुमान ने कहा सिर से हाथ नहीं लगाऊं तो क्या करूं, मेरे पास ताकत नहीं है। जामवंत ने कहा हनुमान तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम कहते हो तुम्हारे पास ताकत नहीं। अरे पवन तनय बल पवन समाना, तुमने बचपन में सूरज को मुंह में रख लिया था, तुम कहते हो तुम्हारे पास ताकत नहीं। और मैं भी कहना चाहता हूँ आप सबसे मेरे भाइयों, आप कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, अरे आप में से तो था कोई चाणक्य जिसने सिकंदर को वापस जाने पर मजबूर किया, अरे आप में से तो थी कोई रानी चन्नम्मा, आप में से थी कोई महारानी लक्ष्मीबाई, अरे आप में से हिंदुस्तान मेरा देश, तुम में से तो था कोई विवेकानंद। कैसे अपने आप को कमजोर मानते हो। जामवंत ने हनुमान से कहा था हनुमान अपने आप की शक्ति को पहचानो, और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं मेरे हिंदुस्तान तुम भी अपनी शक्ति को पहचानो, तुम कमजोर। और आज भाइयों अपने मन में पूरी शक्ति से अब से हमने मंदिर में बैठकर बहुत भजन गाए, मूर्ति के अंदर राम को जगाने का प्रयास किया, आइए एक बार प्रयास करें राम को मैं अपने मन में जगाऊंगा। हनुमान के बहुत दिनों ने मूर्ति के सामने बैठकर गाया है, आज अपने आप के अंदर जो हनुमान सोया हुआ है उसको सुना जामवंत की भाषा में। एक एक व्यक्ति अपने आप के अंदर सोए हनुमान से कहे हनुमान तुम कमजोर नहीं हो, ए मेरे हिंदुस्तान तुम कमजोर नहीं हो। एक बार अपने आप के अंदर सोए हनुमान को सुनाइएगा। बहुत हमने मंदिर के हनुमान को सुनाया, आइए जामवंत ने हनुमान से कहा था कुछ याद करो अपना पवन सुत गोपाल, 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 गति है तुम्हारी केसरी नंदन, कुछ अपना पवन सुत गोपाल, याद करो अपना पवन सुत गोपाल, तुलसी गति है तुम्हारी केसरी नंदन, कुछ याद करो अपना पवन सुत गोपाल, तालियां बजाते हुए फिर से सभी गाइए पवन सुत गोपाल। देख तुम्हारी उड़ान को
तुमने हिला के रख दिया था आसमान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। आकाश तुम्हारे लिए था एक अखाड़ा, वहाँ एक अखाड़ा, वहाँ एक अखाड़ा, जिसने भी लिटक कर उसे पल भर में पछाड़ा, उसे पल भर में पछाड़ा, उसे पल भर में पछाड़ा। बिजली की तरह लपक दे सूरज की तरफ तुम, सूरज की तरफ तुम, सूरज की तरफ तुम, मुखड़े में दीवार कर को छुपा करके किया तुम, छिपा करके किया तुम, छिपा करके किया तुम। तुम खा गए धधकता हुआ अग्नि का गोला, तुम खा गए धधकता हुआ अग्नि का गोला, ताकत तुम्हारी देख के ब्रह्मांड था डोला। हनुमान जी हाथ ध्वजा विराजे, गाने फूल जड़े उठाते
रघुपति प्रिय भक्तम बालजातम हनुमान की शक्ति जगी थी और राम का कार्य सिद्ध हनुमान ने तब के राम का कार्य सिद्ध हो किया। हम सबके मन में सोए हनुमान अगर जाग जाएंगे तो निश्चित है कि देश में बर्बादी करने वाला रावण एक झटके में क्या करेंगे। अगर हनुमान जाग जाएंगे तो सारे रावण तो तैयार होकर नहीं हो, ईमानदारी से बताओ मस्ती में कितने लोग तैयार है रावण को भगाना है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर।